धौलपुर की सरमथुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पवेसर गांव के जंगलों में प्रतिबंधित बजरी के अवैध भंडारण को जब्त किया है। मुखबिर की सूचना पर अचानक की गई इस कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया और चंबल नदी से निकाली गई बजरी के भंडारण के पास से बजरी माफिया फरार हो गए। पुलिस ने बजरी को जब्त कर लिया है, साथ ही वन विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग और को भी मामले से अवगत करवाया गया है। फिलहाल पुलिस बजरी माफियाओं की तलाश में जुट गई है। पहुंचकर संबंधित डिपार्टमेंट राजस्व, फॉरेस्ट एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को सूचित किया गया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से उप निरीक्षक श्रीकांत मौके उपस्थित है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पटवारी मौके उपस्थित है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से फॉरेस्टर एक उपलब्ध है, रेंजर साहब यहाँ पर उपस्थित नहीं है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा डंपर एवं ट्रक लाया गया है। ये जमीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अनुसार फॉरेस्ट लैंड है, जिस पर रेंजर साहब फॉरेस्ट विभाग